ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक होता है ईश्वरीय श्रीमत, दूसरा होता है ईश्वरीय मर्यादा, और तीसरा होता है मैनर्स। मैनर्स, आपके मैनर्स जितने ऊंचे उतना आप देवता कुल के है पता चलेगा। अब कई क्या करे, चाय पी रहे इतना जोर से खींच रहे हैं, बाजू वालों को भी आवाज आ रहा है, चप्पल पहन के जा रहे, चटाक पटाक सबका ध्यान जा रहा है, कौन सी ट्रेन जा रहे हैं। बाजू में कोई आकर के बैठा पता भी नहीं चलना चाहिए कौन आकर के बैठ गया। मैं एक स्कूल में गया था, 2000 स्कूल में उस बच्चे पढ़ते थे, तो मुझे सामने ऐसे चेयर पर इधर मुड़ करके बिठाया और कहा कि भाई जी अब 5 मिनट बैठो, बच्चे आ जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद मेरे को कहा आप स्टेज पर जाकर कार्यक्रम चालू करो। मैंने कहा बच्चे आने दो। नहीं, आ गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 2000 बच्चे आकर के चेयर पर बैठ भी गए, एक चेयर का आवाज भी नहीं आया। कितनी बड़ी चीज, वो चेयर का भी आवाज नहीं आया। मैं तो सोचा अभी बच्चे आए ही नहीं, तो पीछे मुड़ के देखा सारे बच्चे आकर के बैठे हैं। वो लड़कियों का स्कूल था ये, और हम तो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले स्टूडेंट हैं, कोई कैसा आ रहे हैं। इसलिए बाबा आज हमें सेवा का चांस क्यों नहीं देता। जैसे कोई भी पति अपनी पत्नी को कोई बड़ों के सामने नहीं लेके जाएगा, नहीं तो लेके जाएगा ऐसा कह रहे हैं, कहीं ऐसा कर रहे हैं, लोग सोचे अरे तुम तो इतने अच्छे, तुम्हारी पत्नी ऐसी। इसलिए हम इतने ऊंचे बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे में हर चीज में चलने में रॉयल्टी दिखनी चाहिए। इसलिए मैनर्स, जिसको बाबा कहते हैं मैनर्स धारण करो। और कौन करता है, जो श्रीमत प्रमाण चलता है, और श्रीमत के द्वारा हमें अपने कर्मों में परिवर्तन करना है। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे पुण्य कर्म, श्रीमत को दबाओ नहीं। इसलिए ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलने की जरूरत है।